नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक थिंग। इस वीडियो में कंपेयर करेंगे Redmi 8A Dual और Redmi 8, दोनों में कौन बेहतर है, किस में क्या कमी है, किस में क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें आपको बताऊँगा कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। तो आप अगर फ्रंट से देखोगे तो दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बिल्कुल सेम आपको स्क्रीन साइज मिल जाती है। फ़ोन की साइज़ भी अगर आप देखो एज बाय एज तो डिज़ाइन भी काफ़ी सेम टू सेम आपको मिल जाता है। बस इसकी जो Redmi 8A Dual है, इसके बैक में थोड़ा वाइट दिया हुआ है और इधर ग्लास डिज़ाइन दिया हुआ है Redmi 8 में। अब सिमिलैरिटी की बात करो तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हार्डवेयर क्या मिलता है, क्या क्या हार्डवेयर में सिमिलैरिटी है, क्या क्या इसमें सेम चीज़ आपको मिलती है। तो सबसे पहले मैं हार्डवेयर में जाता हूँ। ये मैंने हार्डवेयर डिटेल खोल लिया Redmi 8A का, ये 8 है सॉरी Redmi 8 है उसका हार्डवेयर डिटेल खोल लिया। और मैं इधर इस साइड राइट साइड में हमारे पास है Redmi 8A Dual। तो आप देख सकते हैं दोनों में जो प्रोसेसर मिलता है वो है Snapdragon 435 प्रोसेसर मिलता है। दोनों की जो क्लॉक स्पीड है वो 2.2 GHz तक की क्लॉक स्पीड है। 8 कोर का प्रोसेसर है और 28 नैनोमीटर पर बना हुआ ये प्रोसेसर है। एड्रिनो का 505 GPU भी इसमें मिल जाता है। तो प्रोसेसर तो बिल्कुल सेम है। ये जो हैंडसेट है ये 2GB का है और ये है जो है 4GB का। इसकी जो प्राइसिंग जो है ये 7,500 रुपये की है और ये 10,000 रुपये में आता है। अब इसमें कैमरा क्वालिटी की बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि दोनों की जो कैमरा क्वालिटी बिल्कुल सेम है, आपको कोई खास डिफरेंस मिलेगा नहीं। क्योंकि पीछे में इसके दोनों साइड में दिए गए इसमें 13 और 2 का कॉम्बिनेशन है, इसमें 12 और 2 का कॉम्बिनेशन है। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो बैटरी दोनों फ़ोन में 5,000 mAh की बैटरी मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है, कौन सा बेस्ट है। तो अगर आपको बिना फिंगरप्रिंट का चाहिए तो आप Redmi 8A Dual का ले सकते हैं। इसकी जो 3GB की वेरिएंट है वो 8,000 में आपको मिल जाएगी Amazon पे, और लोकल शॉप में भी जाओगे तो आराम से मिल जाएगी। बट आपको फिंगरप्रिंट चाहिए और थोड़ा लुक भी अच्छा चाहिए तो अब आपको जाना होगा Redmi 8 के पीछे, क्योंकि इसमें आपको फिंगरप्रिंट मिलता है बट इसमें आपको फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है। यही मेन डिफरेंस बस यही है कि आपको Redmi 8 में फिंगरप्रिंट मिलता है और इसमें आपको फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है। इसलिए इसकी जो प्राइस है अप्रॉक्स आपको 10,000 मिलती है और इसकी 3GB की प्राइस जो है आपको 8,000 रुपये मिलती है। और यही कारण है और कुछ खास इसमें डिफरेंस आपको फ़ोन में, दोनों फ़ोन सेम टू सेम है, सेम सॉफ्टवेयर पे भी आपको मिलता है और दोनों आपको पकड़ने में भी सेम लगेगा, बस फिंगरप्रिंट का अंतर है। तो आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताया गया ये जो क्विक रिव्यू है आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, पसंद आया हो तो डिसलाइक कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो इस दोनों से फ़ोन से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।